नहीं मधुकर साहब, इसी पर 90 दिन में इलेक्शन कराने के मामले पे तो पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से, और इस चीज के ऊपर आप ब्लैकमेल हो गए सर। जुडिशरी के जजेस हैं, जब ये मोहतरम जजेस खुद कहते हैं कि हम डर गए हैं, तो फिर बेहतर ये है कि आप जो है इस्तीफा दें और घर जाएं। ये जिन अदारों का नाम ले रहे हैं वहां क्यों ये डर रहा है, जब इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर का उन्होंने बेइज्जती किए, जो हशर नशर किए, तो जजेस को जो आसमान से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है, तो फिर अगर वो साबित ना कर सके तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो उनके ऊपर आना चाहिए। नहीं हो चुके थे जब एक दफा मामला सेटल हो चुके थे, तो दोबारा इस इशू को रेज करने सामने लाने की क्या जरूरत थी? फिर इस खैर साहब के बयान को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जब वो 2018 का इलेक्शन हार रहे थे और जनरल बाजवा की कॉल के बाद वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल और डोमिसाइल पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट कैसे लगता है? ये कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, उसके बाद तनकीद करते हैं? कौन है वो? पार्लियामेंट है ना सर। तो फिर उस चीज को भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो कौन से अफराद हैं जो इदारों के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता करके अपनी सीटों पर कामयाबियां हासिल कर लिया। लेकिन चूंकि वहां पर पर जलते हैं, वहां पर सब के पर जलते हैं, इस वजह से उसकी तहकीकात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह 6 जजों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुफिया चेहरों को बेनकाब किया, इस पर आज लिफाफा खोर सहाफी हसन अयूब हुकूमत को डिफेंड करते हुए नजर आए कि अगर ये जज लगाए गए इल्जाम साबित ना कर सके तो इनको घर जाना होगा। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल ने तो यहाँ तक कहा कि इनको तो इख्तियार ही हासिल नहीं। पीटीआई के मौकफ को बयान करते हुए शहजादा हामिद रजा ने आज हुकूमत के इस प्लान को बेनकाब कर दिया और साथ साथ काजी फायज ईसा को भी पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। आए पहले इन सब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। पहली मरतबा नहीं हुआ इस तरह के इल्जाम जो है या इनके शफात जो है वो पहली मरतबा नहीं हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी कैंगरू कोर्ट्स की इस्तेमाल इस्तेमाल की थी ना, मियां साहब ने तो पूरी तहरीक चला दी थी कि साजिश करके मेरे खिलाफ जो है वो खिलाफ फैसले आए हैं। तो ये जो खत लिखा गया है आप समझते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी? देखिए, इसकी बेबुनियाद है या ये इसकी बुनियाद है, मामला ये था कि इनको गाइडेंस सीक नहीं करनी चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। ये जजेस हैं, ये कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, बल्कि कॉमनर को एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है इन्होंने। इन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है उसको इंश्योर करना है अपने जो अपनी जो इनकी जुडिशियल है, जहां पे जजेस फोरम जजेस है ना, फोरम ला सके, हाई कोर्ट के जजेस हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर को अनवारलाल काकोड़ को तलब कर रहे हैं, आप मिसिंग पर्सन वाले मामले के अंदर जो आप कहते हैं डीजी रेंजर्स आ जाए, फलां आ जाए, फलां आ जाए, जब आप उनको तलब करने की आपकी ताकत है तो जज को तलब कर लेते हैं। प्राइम जो जारी बात है, उनका राइट ये था, यही उनको आईन और कानून के मुताबिक जज का काम जो है वो काम करना है, नोटिस इशू करना है, खत लिखना नहीं। हाँ, है। ये कह रहे हैं कोर्ट ऑफ कंडक्ट में भी ये वाज़े नहीं है कि ये जो मामला था इसको कैसे रिपोर्ट करना है और साबित करना है, तो जाहिर है उन्होंने फिर यही रास्ता देखा। अब तो जजेस को जो आसमान से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है, तो फिर अगर वो साबित ना कर सके तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो उनके ऊपर आना चाहिए। नहीं आना चाहिए साहब, ये जो इंकशाफ है पहली दफा भी नहीं है, लेकिन कितना संगीन मामला है और फिर अदलिया को किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि जो इल्जाम इसके अंदर लगाए गए हैं उनकी नौयत इतनी संजीदा है कि उसके ऊपर बहरहाल प्रॉपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। और देखें, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उन्होंने चीफ जस्टिस से तस्करा क्यों नहीं किया या प्रॉपर फोरम, तो देखें उसके अंदर वाजह तौर पर उन्होंने बात बताई है कि ये तमाम चीजें आमिर फारूक साहब के नोटिस में लाई गई चीफ जस्टिस साहब के, और ही हैज मीटिंग जो उनकी किसी भी इदारे के सरबराह से मीटिंग हुई और उन्होंने वहां पर यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन उसके बावजूद अगर इन चीजों के ऊपर उनका मदावा नहीं हुआ तो जाहिर है उन्होंने डायरेक्शन सीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया, इसके अलावा उनके पास कोई वे आउट नहीं था। अगर तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया जाता तो दैट वॉज अनदर थिंग, बट एज इट वॉज ब्रिंग इन द नोटिस ऑफ द इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और उनकी तरफ से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं ये समझता हूं कि उनका ये इकदाम अब इसके अंदर जाहिर है कानूनी तौर पर बहुत मामला सेटल हो चुके थे, जब एक दफा मामला सेटल हो चुके थे तो दोबारा इस इशू को रेज करने सामने लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं आपको बताता हूं, जब इस किस्म की चीजें होती ना तो उनकी ट्रेल नहीं मिलती होती। आपका क्या ख्याल है कि जिन अफराद के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं क्या उनकी फुटेजेस अवेलेबल होंगी या वो आए होंगे और बाहर उनकी गाड़ियां खड़ी होंगी और वो निकल आइडेंटिफाइड होंगे, उनको चेहरों से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा? ऐसी चीजें नहीं होती। इल्जाम गलत हो नहीं उसके अंदर देखिए, अगर इल्जाम गलत हैं तो फिर शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्जाम है फिर वो भी गलत होने चाहिए थे, उन्होंने तो भाई नहीं। अच्छा, मुझे आप ये देखें, शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सही करार दिया, मेरा सवाल यह है कि उन्हें सही करार दिए जाने के बाद उन कल्प्रेट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? Whoever that person was or is, ठीक है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर भी हमारी जो मुकन्ना, हमारी जो अदलिया है, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, अपने जज को इंसाफ दे दिया इस हद तक कि उसका करैक्टर या उसका चीज क्लियर कर दी। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मामलात के हवाले से कि जनरल बाजवा, जनरल जो फैज हमीद थे उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए, लेकिन आपने जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी की जो बात की है, उस वक्त जब उन्होंने ये आवाज उठाई थी, तहकीकात का मुतालबा किया था हामिद रजा साहब, क्या ख्याल है कि उस वक्त आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं कहना चाहिए था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? अगर उस वक्त में हो जाती तो क्या आज यहाँ पे मामला जरा मुख्तलिफ नहीं होते?
हाथ धोना पड़ गया। I am on the record, मैंने तीन टीवी टॉक शोज के अंदर बाकायदा कहा था कि जो इल्जाम की नौयत है वो इतनी संजीदा है और वो चूंकि उन्होंने आइडेंटिफाई करके इल्जाम लगाए हैं तो उसी वक्त इस चीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। देखिए जो चीज जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक है, फिर इस खैरत साहब के बयान को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जब वो 2018 का इलेक्शन हार रहे थे और जनरल बाजवा की कॉल के बाद वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए तो फिर उस चीज को भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो कौन से अफराद हैं जो इदारों के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता करके अपनी सीटों पर कामयाबियां हासिल करते हैं। हमें अब इस मामले के ऊपर बड़े दिल का मुजाहरा, और मैंने तो आपको पहले कहा मैंने दोबारा जब आपसे बात करूंगी तो बात करूंगी क्योंकि जुडिशियल कमीशन तो आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया आपके व्यूअर्स के लिए। करेक्शन जो फैक्ट्स की करेक्शन है, एक जो खत लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुप्रीम जुडिशियल को लिखा गया पहली चीज, और दूसरी चीज है शौकत सिद्दीकी साहब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा, उन्होंने यह कहा है क्योंकि इंक्वायरी के बगैर उनको बरतरफ कर दिया गया था लिहाजा उनको बहाल किया जाता है, उनके इल्जाम की तहकीकात नहीं हुई। हाँ। उसकी इंक्वायरी नहीं, नहीं सर। देखिए एक मिनट, मैं छोटी सी थोड़ा सा नुक्ता नजर साहब ने कहा, मेरा उस पर नुक्ता नजर यह है कि एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगा के उसे मुअत्तल कर दिया गया, हमारी आला तरीन अदलिया ने उस शख्स को बहाल कर दिया, वो जो इल्जाम है वो कहां पर गया? मुअत्तल नहीं, बरतरफ किया गया। बरतरफ, सॉरी, हां बरतरफ किया गया। मेरा सवाल यह कि वो जो इल्जाम है क्या उस इल्जाम की तहकीक नहीं होनी चाहिए थी कि आपने एक सिटिंग जज को उस बुनियाद के ऊपर बरतरफ कर दिया? लेकिन चूंकि वहां पर जलते हैं, वहां पर सबके पर जलते हैं, इस वजह से उसकी तहकीकात कहां से शुरू की जाए? वैसे ये जजेस तो कह रहे हैं कि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझसे ही शुरू की जाए, आप पहले यहीं से करें। मदोखेन साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी ये जलजला आ गया है, आपके ख्याल में ये कितना बड़ा जलजला है और ये हमारी अदलिया को किस तरफ लेके जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा जलजला है और बड़ा बेहतरीन जलजला है। अच्छा। और बेहतरीन मैं इस वजह से कहूंगा कि आप थोड़ी सी कानूनी बात सुन ले, उसके बाद थोड़ा सा ऐसी एक दो बात करूंगा। जी, ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ये मेरिट पे नहीं होता है, ये ऐसा होता है कि जो सूबे का चीफ जस्टिस है वो अपनी मनपसंद लोगों का नाम रिकमेंड करता है और उसकी क्लियरेंस आईबी, आईएसआई और एमआई लेती है, और फिर उसके बाद क्लियरेंस के बाद ये लोग जज बनते हैं, और जज बनने के बाद ये कोई गरीब का बच्चा जज नहीं बन सकता है। मेरा इसी तरह बिल तक कौमी असेंबली में पीटीआई के दौर और पीडीएम के दौर में जो पास नहीं हो सका, दो साल तक वजीर कानून जो है ना दोनों टालते रहे। मैं उस वक्त यह कहता था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप तीन तीन मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल और डोमिसाइल पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट कैसे लगता है? जजेस को रखने का तरीकेकार किसने ठीक करना है? ये कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं उसके बाद तनकीद करते हैं? कौन है वो? पार्लियामेंट है ना सर। देखिए जी, आपको 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 याद होगा जब 18वीं तरमीम आया, 18वीं तरमीम के बाद जाके उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल किया है कि आप चीफ ये जो अदलिया की जो अपॉइंटमेंट है ये हमारे हाथ में दे, नहीं तो मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा। ये मेरे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आप क्यों ब्लैकमेल हुए सर? इस वजह से ब्लैकमेल हो गए कि 18वीं तरमीम को वो मुस्तरद कर रहा था, क्वाश कर रहा था, धमकी दिया बकायदा। ठीक है, अच्छा अब अगली बात सुन लीजिए। मदोखेल साहब, इसी पे 90 दिन में इलेक्शन कराने के मामले पे तो पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से, और इस चीज के ऊपर आप ब्लैकमेल हो गए सर। अच्छा, अब पारिस जो चीज गुजर गई है अब आगे करने दो, क्या देखे मैं एक चीज बताऊं आपको, ये बात बकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि 19वीं तरमीम हमसे गलती हो गई है, याद है आपको? रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं आपको। आपको भी क्या इसकी टाइमिंग के ऊपर ये एतराज है? पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कोई बड़ा इशू जो है वो सामने ही रहता है, अगर एक साल के बाद भी ये करते तो अभी आप कहते टाइमिंग मशकूक है। जी, ये टाइमिंग इस वजह से मशकूक है कि अभी हमारे ब्रदर वकीलों को बड़ा मजा आ गया आसानी से कौमी असेंबली और सेनेट का एमपीए और एमएनए बनने का। हाँ। तो उन्होंने ये शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर दिए जो एहतजाज का। अब सवाल ये है, अब सवाल ये कि ये कमीशन अगर नहीं बने तो कहां इसकी इंक्वायरी इस पे करते हैं बात, लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं कर सकते तो कौन करेगा? पीपल्स पार्टी का इस इशू पे ऑफिशियल मौकफ क्या है? जरदारी साहब भी खामोश हैं, बिलावल भुट्टो ने भी इस पे कोई बयान नहीं दिया है, क्या पीपल्स पार्टी बहुत एहतियात से काम ले रही है इस पे, या आप गवर्नमेंट यानी नून लीग के साथ ही खड़े होंगे? देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूं या गंदा सा रुकन हूं, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने रखूं कि कमीशन के अलावा कोई चारा नहीं। आप मुझे बता दो क्या होगा? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है उसके ऊपर क्या करेगा, जिसके ऊपर खुद पीटीआई का इल्जाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर खुद इल्जाम है, वो क्या इंक्वायरी करेगा? और फिर ये बात बताओ कि जुडिशियल कमीशन का इख्तियार ही नहीं है इस तरह इंक्वायरी करने का। लेकिन अब बड़ा मजा आएगा, अब बड़ा मजा इस वजह आएगा कि इन जजेस की जब बयानात होंगे, किसने आपको फोन किया, किसने आपको हिदायत दिए, कैसे दिए, और किस किस की हाउसिंग स्कीम है, कौन टीवी का एंकर बना हुआ था, ये सारी इंक्वायरी वंस फॉर ऑल जो इसका फैसला बिल्कुल लेना चाह रहा हूँ। बात ऐड करने की यह है कि क्रिमिनल केस कभी टाइम बार नहीं होता, ज्यादा मियाद नहीं होता, तो ठीक है एप्लीकेशन दे दें, पर्चा कटवा दें या खुद नोटिस दे लें 199 के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए, तलब कर लें उनको,
या जो है वो तो उन्हें तालिक नोटिस जारी कर दे। तलब करने की बात करें, जी तलब करने की अभी भी कर सकते हैं, अभी भी ये जजेस कर सकते हैं। नहीं तो ये जो जुडिशियल कमीशन होगा इसकी तहकीकात पे आपको लगता है कि ये सबके लिए काबिले कबूल होंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है इस चीज से? ये तो विद इन जो जुडिशियल इशू सारे चल रहे हैं वो कौन है? हुकूमत कौन है? ये फिर हुकूमत क्या है इस मामले के अंदर? अगर 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 देखें हुकूमत का क्या ताल्लुक बनता है या सजा सुनवाई की, हुकूमत का क्या ताल्लुक बनता है या इनका क्या ताल्लुक बनता है सियासी जमातों का क्या ताल्लुक है? देखिए पहले तो फंडामेंटली जो 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 फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है ठीक है वो तो इंटरनल मैटर है ना ठीक है। अगर उसने मुदाखलत की है किसी हद तक तो फिर पहला स्टेक आता है बीच में कि जी गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया या गवर्नमेंट के अंडर जो इदारे हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे पहले जिसने सबको जो है प्रोटेक्शन देनी है, जिसने इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ, जिसने हर चीज आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क को चलाना है, स्टेट के ऑर्गन्स को चलना है, मोशन में चलना है, वो कौन लोग हैं? वो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं। जब ये मोहतरम जजेस खुद कहते हैं कि हम डर गए हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप जो है इस्तीफा दें और घर जाएं। आपको अपने फंक्शंस का पता नहीं है कि आपने काम क्या करना है, आपको नोटिस जारी करने का आपको पता नहीं, आप नोटिस जारी करने का आपके पास इख्तियार है और अगर आप वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो रेलेवेंट फोरम ही नहीं है तो फिर आपको बेहतर यह है कि आप प्री स्कूल के स्टूडेंट नहीं है जी, आपने गाइडेंस देनी है। काम करें, कुछ ऐड करें जी। मंदोखेल साहब, मैं इसमें यह कहना चाह रहा हूं कि जजेस को यह खत लिखने का बिल्कुल हक नहीं है। जजेस के पास इख्तियार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ये जिन अदारों का नाम ले रहे वहां क्यों ये डर रहा है? जब इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर का उन्होंने बेइज्जती किए, जो हशर नशर किए, तो इस तरह ये किसी इंस्पेक्टर का नहीं कर सकते थे? इनके पास इख्तियार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये क्यों डर रहे थे? तो लिहाजा आप डीसी हैदराबाद का हशर नशर देख रहे बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई। जब डिप्टी कमिश्नर को तलब कर सकते हैं हामिद रजा साहब, तो जिनसे शिकायत है उनको क्यों नहीं कर सकते? क्या कर लिया उनको? तलब क्यों नहीं कर सकते? मेरे मैल फास सख्त थोड़े इस्तेमाल कर, एक दूसरे पे डालेगा, दूसरा तीसरे पे डालेगा, तीसरा चौथे पे। अच्छा अगर आप ये आर्गुमेंट भी ले लें कि वो कंटेम्प्ट की उन्हें प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने कमजोरी दिखाई, कमजोरी दिखाई, अपना मलबा उतार के अपने से सुपीरियर्स पे डाल दिया, सुपीरियर्स ने एक नई कमजोरी दिखाई, उन्होंने एक कमीशन की तरफ चल पड़े। भाई ये इतना हसास मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को बुला के उनकी सरजनिश करके स्पेशल कमीशन तश्कील दे के 72 घंटे के अंदर ये केस खत्म हो सकता? हमारे मुल्क में मजाक ये है कि हम हर चीज को कमीशनों के अंदर डालकर उनके ऊपर लिंगर ऑन और लंबा खेलने की पॉलिसियों पर अमल दरार। आप अकेले वॉक करके आते हैं, आपने कहां कहां से अपना मसला किया हुआ है तो पता मुझे कहते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ गार्ड भी होंगे तो क्या आप इस बात की गारंटी है कि मैं महफूज रहूंगा? राइट, उस वक्त के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, शहजाद अकबर साहब सबके सामने वो खड़े हो गए अकेले, तो मैं यही बात कह रहा हूँ, वो मेरा फेवरेट हो, वो मेरा फेवरेट ना हो, वो साइड इतनी बारी है कि कोई शेर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ओपन कोर्ट आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए इस मामले के ऊपर, अगर बन जाता है फर्ज करें तो फिर तो आपको कोई एतराज नहीं होगा बेंच ऊपर कि जी इसमें चीफ जस्टिस हैं या इसमें फला जज है और हमें इस पे एतमाद नहीं है? नहीं, आप बनाएं, आप देखें जो बलफूल आप तमाम जजेस को बिठाएं ना, उन्हें फैसला कर रहे थे, क्योंकि ये पूरी अदलिया पे हमला, ये किसी दो अफराद पे, तीन अफराद पे, चार पर नहीं, जजेस बैठ चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर, ये उनका फैसला है कि कमीशन जो है ये बनाया जाए, ये हुकूमत का फैसला नहीं है, इसलिए क्योंकि बढ़ जा रहा है। नाज़रीन, आपने सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, शहजादा हामिद रजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारी अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं, जज इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। हामिद रजा ने कहा कि जिस वक्त शौकत सिद्दीकी ने इन खदशात का इजहार किया तो उस वक्त कोई इंक्वायरी नहीं की गई और उनको बरतरफ कर दिया गया, और आज जब ये मामला 6 जजों ने उठाया और शौकत सिद्दीकी का वो फैसला वापस ले लिया गया और उनको बहाल किया गया, मगर इंक्वायरी आज भी नहीं की गई कि कौन था वो कौन से चेहरे थे जिन्होंने उस वक्त शौकत सिद्दीकी को प्रेशराइज किया। हुकूमत आज भी इंक्वायरी करने से कतरा रही है क्योंकि इंक्वायरी करने से इनके अपने पर जलते हैं। इस सारे मामले में भी हुकूमत खुद बेनिफिशियली है, यही वजह है कि आज भी हुकूमत इस पर मिट्टी डाल देना चाहती है। और जहाँ तक बात है काजी फैज़ ईसा की, उनको एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ तो हुकूमत डायरेक्ट बेनिफिशियली है और हमारे काजी फैज़ ईसा साहब हुकूमत के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर एक रिटायर्ड जज के ज़रिए इस सारे मामले की तहकीकात करवाना चाहते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले काजी फैज़ ईसा मुस्तफ़ी हों। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत जिस तरह का प्लान बना रही है, जिस तरह की इनकी प्लानिंग है इस सारे मामले की तहकीकात करने की, क्या ये तहकीकात साफ और शिफाफ होंगी या नहीं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।
नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।